कांग्रेस ने जीवन भर पाप किया, रामलाला का मंदिर ना हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब मंच में वो लोगों ने शरण किया। कल्याण सिंह जी का सरकार भी उन्होंने तोड़ा राम मंदिर को लेते हुए, तो उनको तो पहले इनविटेशन देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने बड़प्पन दिखाया, उनको बुलाया। बुलाने का बात, अरे कम से कम जाओ तो, कम से कम तुम्हारा पाप थोड़ा कम हो जाएगा। तो उनको बुद्धि देने से भी वो अपना पाप खंडन करना नहीं चाहते, इसलिए उनके लिए बाबर ज़्यादा प्यारा है। तो ये वो एक कांग्रेस जो है वो बाबर का पास जाने के लिए उनको अच्छा लगता है, राम का पास आने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं तो यही मानता हूँ कि पापी थे, पापी ही रहेगा। आप कैसे मदद कर सकते, उनका सफाई का क्या वैल्यू है? मैं अगर मंदिर नहीं जाता हूँ और मैं बाबर तम में चला जाता हूँ, आपको फोटो वोटो भी सोशल मीडिया में देख रहा था, राहुल गांधी भी बाबर टम में गया था, इंदिरा जी भी बाबर टम में गया था, तो ओलू का आदत ही बन गया बाबर का पास जाने का, अभी राम का पास कैसे आ पाएगा ओलू? तो इसीलिए उनका कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है, उनका जो क्रियाकांड होता है वो हमने देखा, उनका क्रियाकांड वही उनका एक्सप्लेनेशन है। सर यहाँ पर बीजेपी का सत्ता नहीं है, बीजेडी का सरकार। अरे क्या बात बोलते हैं, हमारा 38% वोट शेयर था, अगली बार 4% का ही रास्ता है, आप देखते देखते सरकार बन जाएगा। कैसे 4% वोट? तो मोदी जी ने ये 5 साल जितना काम किया, 4% वोट तो ऑटोमेटिक आ ही गया है। जो एक तो माहौल बना के रखा हुआ है ना, आप खाली वोटिंग परसेंटेज देखिए, लोकसभा में हमें लास्ट टाइम 38% वोट मिला था, विधानसभा में 32% वोट मिला है। तो ये 5 साल में तो मोदी जी इससे तो अच्छा काम कर ही दिया है। तो ये तो सुना, देखो ये आप मानते हैं, तो अगर आप वो है तो हमें क्यों 38% वोट मिलते हैं? बीजेपी को 38% वोट क्यों मिलते हैं? मतलब यहां में जो ब्रेन है उसका निगेटिव ब्रेन भी तो है ना, नहीं तो हमें 38% वोट क्यों मिलते हैं? 38% वोट का मतलब जानते हैं, कम से कम 1 करोड़ लोग, अगर 1 करोड़ लोग एक व्यक्ति को, एक अनुष्ठान को, एक पार्टी को ब्रेन नहीं मानते हैं, दैट टू इन 2024 में और 30-50 लाख ऐड होने में कितना समय लगता है? मेरा तो मन है, मैं तो जानता हूँ या वोट टेकिंग सेरेमनी होगा, आना होगा मुझको। इसलिए आप क्या स्ट्रेटेजी करेंगे? नहीं मैं तो यहाँ आके ही प्लान कौन है? नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है, प्लान तो जगन्नाथ का प्लान होता है, थोड़े मेरा प्लान होगा। प्लान तो मैं इतना ही जानता हूँ कि बीजेपी को जगन्नाथ को सेवा करना है, बीजेपी को उड़ीसा का सेवा करना है, और जगन्नाथ जी हमें मौका देगा। अकेले बनाएंगे या गठबंधन में? अकेला कैसा सरकार बन सकता है, सब तो मिलके ही बनना पड़ेगा। अकेला कोई अलग पार्टी में अकेला होता है, बीजेपी में कुछ काम अकेले नहीं होते है, बीजेपी में सब काम मिल के होते हैं। हम तो भाई अलग पार्टी नहीं है कि एक ही व्यक्ति की आप देखते रहेगा, हमारे यहाँ में तो सबको देखना पड़ेगा। सरकार कहाँ अकेला बनता है, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो अकेला वाला बात हो जाता है। सरकार तो सामूहिक नेतृत्व से बनता है ना, और बन जाएगा सरकार बहुत बढ़िया से। और मैं तो अभी यहाँ बोल के जाता हूँ कि मुझको और आना है वोट टेकिंग सेरेमनी में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, न्याय की अन्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं वो अपनी। तो जो व्यक्ति राम का साथ अन्याय करता है वो भारत का साथ कैसे न्याय करेगा? जो ये राहुल जी रामलाला को ठुकरा रहा है वो क्या भारत को अपना बन दिखाएगा? तो ये यात्रा का नाम भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। पाकिस्तान को वो लोगों ने ही भारत से अलग कर दिया, भारत तो तोड़ दिया था 1947 में यही कांग्रेसी लोगों ने, और अभी अन्याय भी कर रहे। तो ये यात्रा का नाम है भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। और ठीक है, तो चलिए आता हूँ वोट टेकिंग में।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।